ये जितना भी चल रहा है, रिस्टोरेशन चल रही है, काम चल रहा है, दैट इज ऑल स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो टुडे व्हाट डिड यू लर्न अबाउट हिंदुइज्म? व्हाट डू कॉल द काउ? नंदी. गुड. मे भी यहाँ पे लोगों को कुछ और मानना होगा. यहाँ बम पड़े हैं. हम लोग सोचते हैं कि भाई यहाँ पे हिंदुइज्म कैसे आया. तो एक्चुअली ये जो एरिया था कंबोडिया. हाँ जी, सत श्री अकाल जी. वेलकम टू द पंजाबी वॉन्डर्स यूट्यूब चैनल. आज एक और दिन है होयान में और आज हम जा रहे हैं. अभी गोइंग नाउ माइसोन सेंचुरी. माइसोन एंड इट हैज हिंदू टेंपल्स, राइट? वेल, आई डोंट नो. या, इट हैज हिंदू टेंपल्स एंड वी हैव गॉट अ न्यू स्कूटर इन ऑरेंज कलर. सो लेट्स गो. मे बी यहाँ से मेरे ख्याल से एक घंटे का ड्राइव है. कल का स्कूटर बड़ा ही खराब था यार, वो चल ही नहीं रहा था. तो मैंने कहा नया स्कूटर ले. यहाँ पर बड़ा सस्ता स्कूटर है, 130 बोले तो 400 रुपये में स्कूटर मिल जाता दिन के लिए. और हमने तेल डलवाया है 60 रुपये का, मतलब 60 में 180 रुपये का. तो चलते हैं, अभी टैंकी फुल है अपनी. लेट्स गो. पूरी रोड ऐसे गुलाबी गुलाबी हो रखी है इन फूलों की वजह से. थैंक यू. तो हम अभी रास्ते में रुके थे यहाँ पे और खाने का बड़ा सीन हो रहा है बिकॉज शी ओनली इज वेजिटेरियन. या तो उसको हमने ऐसे बोला कि मेरे लिए तो चिकन चलेगा, इसके लिए चिकन नहीं चलेगा. तो बड़ी मुश्किल से समझाया उसको ट्रांसलेटर पे. उसमें कुछ मेन्यू वेन्यू नहीं था, ऐसे उसने दिखाया कि नूडल्स हैं. बोला नूडल्स विद वेजिटेबल्स दे दे. मैंने कहा मुझे चिकन डाल देना. और साथ में हमने कुछ पीने के लिए ले लिया है और बहुत सस्ता है यहाँ पे. तो अभी खाना खा के फिर ही निकलेंगे आगे, क्योंकि अभी हमें जाना है एक घंटा. सो इट्स लाइक हाउ मच टाइम फॉर द फूड? नो, फॉर द सेंचुरी. सो वी स्टिल हैव हाफ एन आवर ड्राइव. हाफ एन आवर. कूल. तो खाना आ गया हमारा. इसने मंगाई थी सब्जियाँ, सैलेड, तो अंडा और नूडल्स. ये गुड फूड. Happy with it? No. It's useful. और मेरे लिए थोड़ा सा चिकन और अंडा और नूडल्स. तो ये obviously it looks better. और अभी हम यहाँ पहुँच गए. तो यार ये actually यहाँ पे there used to be a Champa kingdom. तो जो कि हिंदू किंगडम थी होती थी पहले. तो अंदर बहुत सारे मंदिर हैं अभी भी. तो चंप पीपल होते हैं ये. बात करेंगे पूरी डिटेल में क्या है ये सीन. यहाँ से हमने टिकट ले ली है. हाउ मच इज द टिकट? 150 450 के आसपास एक टिकट है. और इट विल टेक मे बी 3-4 hours इनसाइड. काफी बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. तो चलिए चलते हैं अंदर आइसक्रीम खाते हुए. तो अभी यार ये देखो यहाँ पे तो ASI बैठा हुआ है. सो जब वियतनाम वॉर हुआ था तब काफी सारे बॉम्ब गिराए गए थे इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स पे. तो इसकी काफी जरूरत है अभी इसको ठीक करने की. इसलिए शायद मे बी इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ प्रोजेक्ट अपना शुरू करा है ASI ने. देखते हैं क्या काम कर रहे हैं भाई अंदर. ओके, तो सबसे पहले हम आ गए म्यूजियम के अंदर. और यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़रूरी चीज़. हम लोग सोचते हैं कि भाई यहाँ पे हिंदुइज्म कैसे आया. तो एक्चुअली ये जो एरिया था कंबोडिया, लाओ और वियतनाम और थाईलैंड, इसको पहले बोलते थे इंडो चाइना. ठीक है, तो ये चाइनीज़ इन्फ्लुएंस था यहाँ पे बहुत सारा और इंडियन इन्फ्लुएंस था बहुत सारा. फिर बाद में यहाँ पे फ्रेंच आए, फिर वियतनाम बना अलग, कंबोडिया अलग बना और फिर वियतनाम वॉर हुई. वो सब अलग हिस्ट्री है. लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई जो ट्रेडिंग रूट्स होते थे ना, उसके ज़रिए ही यहाँ पे रिलीजन आया. तो जैसे साउथ इंडिया से यहाँ पे ट्रेडिंग रूट्स थे, तो कंबोडिया आया यहाँ पे, यहाँ चंपा किंगडम में आया. तो ये इन रूट्स के थ्रू ही हिंदुइज्म यहाँ से यहाँ पहुँचा. आई थिंक यू आर इंडियन. यहाँ को भी मिलता है तो एवरीबॉडी. या यू जस्ट नीड अ बिंदी बट यू लुक इंडियन. यहाँ पे हर कोई इसको बोल रहा है कि अरे तुम इंडिया से हो क्या. तो देखिए यहाँ पे शिवलिंग है और नंदी भगवान है, क्योंकि ऑब्वियसली हिंदू टेम्पल्स थे. तो मैंने सुना है अंदर बहुत सारे शिवलिंग है, अंदर सब मंदिरों में शिवलिंग ही है. तो चलिए म्यूजियम से हटके. वैसे यहाँ पे ये भी कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को.
यहाँ पे नीचे कुछ लिखा हुआ है, क्या है ये? हाँ ये भी मुखलिंग। चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा वो दिखा रखा है उन्होंने मैप की, पूरा जो साइट है यहाँ पे वो क्या क्या सीन है यहाँ पे देखिए। तो पूरी साइट में ये सब टेम्पल्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं अलग अलग जगह पे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे है वहाँ पे। तो ये कोई शहर नहीं था, यहाँ पे लोग रहते नहीं थे, ये सिर्फ एक रिलीजियस प्लेस थी। तो यहाँ पे सिर्फ मंदिर ही हैं, घर कुछ भी नहीं है। और ये कुछ पुरानी फ़ोटोज़ हैं, जो पुरानी फ़ोटोज़ हैं कंजर्वेशन की 20th सेंचुरी के। तो यहाँ पर थोड़ी सी और डिटेल्स हैं टेम्पल के बारे में, और जो यहाँ से मूर्तियाँ मिली थी पहले, तो इसमें कृष्णा लक्ष्मी ये सब मूर्तियाँ मिली पहले। ये देखिए वो वाली मूर्ति यहीं पड़ी है शायद, हाँ यही पड़ी है आधी, तो सर नहीं है इसका मूर्ति का। तो ये मेरे ख्याल से यही डिटेल लिखी हुई है इसकी, ये लक्ष्मी जी की है। तो ये 4th सेंचुरी मतलब बहुत ही साल पहले, 4th सेंचुरी लगा लीजिए मतलब 300 समथिंग जब साल चल रहे होंगे, जैसे अभी चल रहा है ना 2023 चल रहा है, 300 समथिंग जब था तो तब हिंदुज़म यहाँ पे आया था, और तब से इनकी तब से ये मतलब टेंपल्स बने हुए हैं। ये फिर वो एक्सप्लेन कर रखा है कि ट्रेड रूट्स क्या थे तब के और वो सब चीज़ें, मैंने बताया आपको पहले भी। तो अभी चलते हैं सीधे आगे चलते हैं, म्यूज़ियम तो देख लिया हमने, अब असली में देख लेते हैं। ये शायद परफॉर्मेंस भी होगी, ये कुछ टाइमिंग होती है इसकी, तो शायद 3:30 बजे परफॉर्मेंस है कुछ, वो भी देखने को मिलेगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का व्लॉग, देखते रहिए, स्टे ट्यून्ड। तो ये देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखा हुआ है कि ये जितना भी चल रहा है रिस्टोरेशन चल रही है, काम चल रहा है, दैट इज़ ऑल स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ASI। और इधर टेम्पल है अंदर, और मेरे ख्याल से ऐसी बसें चलती हैं, इनमें जाना होता है। तो चलिए इसमें बैठते हैं बस में और चलते हैं। तो यार यहाँ पे उतार दिया हमें वो गाड़ी ने, वो फ्री होती है, उसमें कोई पैसा देने नहीं पड़ते आपको। और अभी चलना पड़ेगा, काफ़ी जंगल ही है पूरा, बट लाइक वी आर लकी दैट वी हैव नाइस वेदर, इट्स नॉट सनी। तो ये देखिए हम आ गए फर्स्ट साइड पे, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने लिखी है बिफोर एंड आफ्टर। तो ये 2018-19 में शुरू हुआ है प्रोजेक्ट। तो ये देखिए पहले ऐसे था, अब ये हो गया है, यू कैन सी। अभी इधर जाके देखते हैं क्या है सीन। तो जो टिकट मैंने लिया उसमें लिखा है कि जितनी भी ईंटें थी ना उनमें कभी भी सीमेंट यूज़ नहीं होता था। तो जैसे ये देखिए सीमेंट बीच में नहीं लगा हुआ है, बस वो साथ साथ रखी हुई हैं ईंटें ऐसे ही। और इसमें कुछ इंटरलॉकिंग भी नहीं, जैसे होता है ना जनरली होता है कि पत्थर वाली चीज़ें होती हैं उनमें इंटरलॉकिंग होती है, कुछ इंटरलॉकिंग भी नहीं है, ऐसे ही रखी हुई हैं ईंटें। तो अभी हम एक और आए हैं कॉम्प्लेक्स में। यहाँ पे जो टेम्पल्स हैं वो काफ़ी सिग्निफिकेंट हैं, मतलब अभी भी काफ़ी कुछ बचा हुआ है उनका, जैसे ये टेम्पल काफ़ी बचा हुआ है अभी भी। तो इस पर कोई रिस्टोरेशन काम नहीं हुआ, ये ओरिजिनल ही है। और जाके देखना, जाके देखा हमने उसके अंदर, तो दिखाया मैंने आपको। तो ये देखिए जगह जगह लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो आर्टिफैक्ट पड़ा था वो उठा के रख दिया अंदर म्यूज़ियम के, जो हमने देखा था ना शुरू में म्यूज़ियम था, जो मैंने सामान पड़ा था वो यहीं से उठा के, मूर्तियाँ वगैरह यहीं से उठा के रखी गई थी। यहाँ पे देखिए एक मूर्ति अभी भी पड़ी हुई है, देखिए एक फ़र्क ये है कि जैसे इंडिया में टेम्पल्स जनरली जो पुराने हैं वो सब पत्थर से बनाए जाते थे, ये ईंटों से बनाए गए हैं। यहाँ पर सब आपको ईंटें दिखेंगी। Mentaliste un peu, non? Je suis pas loin, psychanalyste quand même. Ah.
तो यहाँ पे ज़्यादातर तो ईंट से बना हुआ है, लेकिन कुछ कुछ पत्थर भी है, जैसे ये सैंडस्टोन है। तभी यहाँ पे एक गाइड थी, शी वाज टेलिंग सम अदर टूरिस्ट, मैंने सुन लिया, तो उसने बताया जैसे यहाँ पे देखिए इस पे चार हैं लोटस के पत्तियाँ और इधर तीन हैं। तो उनका मानना ये था कि हर चीज़ इज़ डिफरेंट, राइट, जैसे हर दो इंसान अलग होते हैं, तो वैसे ही अगर कुछ भी बना रहे हैं तो हर बोल रहे कि हर ईंट डिफरेंट थी, कुछ भी सेम साइज़ का नहीं था। तो इसलिए यहाँ पे भी देखिए इस पे चार पत्तियाँ हैं और इस पे तीन पत्तियाँ हैं। और एक्चुअली यहाँ पे दे यूज़ टू कलेक्ट वाटर, वो पानी इकट्ठा करके अंदर मेन मंदिर में, वो मेन मंदिर है, उसके अंदर जो भी मूर्तियाँ थी वो उनको धोने के लिए, नहाने के लिए, उनके स्नान के लिए। और ये मंदिर पूरा नहीं हो पाया, ये इनकम्प्लीट रह गया, तो इसलिए पिलर पड़े हुए हैं वहीं पे। तो जैसे ये रखा होगा उन्होंने, इसको पिलर रखने होंगे, लेकिन वो रखा ही नहीं है। फिर ये देखते हैं अंदर से मेन टेम्पल। अंदर कुछ है नहीं अभी, मेरे ख्याल से मूर्तियां यहाँ पे होंगी तो वो रख दी होंगी अंदर म्यूजियम में। ये एक टेंपल है, यहाँ पे शिवलिंग है। और जो गाइड थी ना, वो भी कुछ बोल रही थी कि शिव जी के दो बेटे थे, हाँ पता है हमें, लेकिन उसने बोला कि एक तो गणेश छोटा बेटा, तो गणेश बोला, लेकिन बड़े बेटे का नाम कुछ और बोला उसने, कांड, पता नहीं कांडा ऐसा कुछ, तो कार्तिकेय नहीं बोला उसने। तो मैंने उसको ऐसे इंटरफेयर तो नहीं करा, मे भी यहाँ पे लोगों को कुछ और मानना होगा। ये वाली गाइड थी जो बता रही थी अभी। तो यहाँ तो देखा हमने मंदिर कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा लग रहा होंगी ना यहाँ पे सब ईंटें काली काली सी हैं, पत्थर के काले, उधर सामने काफ़ी लाल लाल सा है, तो शायद वो रीस्टोर्ड होगा। तो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे, भी जाके वो देखते हैं। बट हाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है, लेकिन अंदर कोई मूर्तियाँ नहीं पड़ी हुई अभी, वो सब उठा के रख दिए म्यूजियम में। और मतलब मेरे ख्याल से यहाँ थोड़ी बहुत जो हम सुनते हैं ना कहानियाँ हिंदुज़म, मतलब जो अपना मैथोलॉजी है हमारी, थोड़ी सी अलग है यहाँ पे, थोड़ी सी मॉडिफाइड है मेरे ख्याल से। जैसे उसने अभी कार्तिकेय का नाम कुछ और ही बोला, तो मे बी कुछ कुछ अलग है यहाँ पे। तो ये जो भी मूर्तियाँ थी और भी बाकी सब, मतलब वही जो उन्होंने बाहर से मंदिरों में से उठा के, ये देखिए यहाँ बम पड़े हैं। तो एक्चुअली जब वियतनाम वॉर हुआ था, तो जो वियत कांग्रेस थी, उन्होंने इसको यूज़ किया था ये पूरे कॉम्प्लेक्स को छुपने के लिए। तो यहाँ पे अमेरिकन्स ने काफ़ी बॉम्ब गिराए थे। या अरे कुछ तो म्यूजिक सुनाई दे रहा है, चल के देखते हैं बाहर क्या चल रहा है, मे भी कुछ परफॉर्मेंस होगी, क्योंकि भी 3:30 बजे परफॉर्मेंस है एक। व्हाट इज दिस म्यूजिक चीका, व्हाट इज दिस म्यूजिक भाई, आवाज़ तो यहाँ से आ रही है, देखते हैं क्या चल रहा है। सब लोग वहीं भाग रहे हैं, ऐसे बोले था कि सपेरे ने बीन बजाई और सारे सांप आ गए। भाई ये तो बहुत सही है, ये देखिए ये एक और कॉम्प्लेक्स जिस पे की काम कर रही है इंडियन गवर्नमेंट। तो ये था पहले और बाद में ये है, तो इसलिए देखिए मतलब सब कुछ नया ही, नई ईंट लगी है, तो सब कुछ लाल लाल है। जो पहला देखा था हमने वो काफ़ी ऐसे उसमें मतलब प्लांट्स उगे हुए थे, घास फूस थी, एल्गी थी और ये सब थी, लेकिन यहाँ पे सब कुछ नया ही बना है। तो ये भी मतलब करना ही पड़ेगा, बट मेरे ख्याल से तरीके तो होते होंगे यार, कि वैसा वैसा दिखे, कि दिखे वैसा ही, बुलाई जैसे काली काला रंग है अगर, तो वैसे ही ईट हो, मतलब मेरे ख्याल से वो पॉसिबल होगा, बाकी नॉट एन एक्सपर्ट सो आई डोंट नो। चलते अंदर। तो मेरे ख्याल से इसके अंदर जो शिवलिंग है वो तो पुराना ही होगा, वो तो नया नहीं है। उस पर देखिए काफ़ी डिटेल में काम है, तो मोनोलिथ नहीं है,
मतलब एक सिंगल पत्थर नहीं है। बट जैसे हमारे जनरली होता है जो ये पार्ट होता है थोड़ा गोलाई में होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा स्क्वायर में ही है ये, और थोड़ी सी से शिवलिंग पे भी शेप सी ये हमारे नहीं होता ना, तो वही कुछ कुछ तो डिफरेंसेस हैं इधर साउथ ईस्ट एशिया के हिंदुइज्म में और मतलब जो मैथोलॉजी है उसमें। ओके चीका, सो टुडे व्हाट डिड यू लर्न अबाउट हिंदुइज्म? आई लर्न दैट शिवा द गॉड ही ट्रैवल्स ऑन अ काउ, या ही राइड्स अ काउ, या हाउ डू यू कॉल द काउ? नंदी, नंदी, या बिकॉज़ यहां बहुत सारी काउस के मतलब नंदी भगवान बने हुए थे बहुत जगह पे, मैंने बताया इसको। एंड व्हाट एल्स? एंड दैट इज व्हाई काउस आर सेक्रेड। हां यस, एंड अभी एक चीज बची है, यहाँ पे परफॉर्मेंस होती है सारे दिन, मुझे परफॉर्मेंस होगी एक कल्चरल परफॉर्मेंस है। It's amazing that you go into this very small holes. What do you call the cow? Nandi. Good. तो यार खत्म हो गया अपना यहाँ पे, तो व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द प्लेस? दैट आई थिंक दे शुड पुट मोर इंफॉर्मेशन लाइक अराउंड द रुइंस, बिकॉज़ या आई थिंक इफ यू डोंट पे अ गाइड लाइक यू डोंट रियली अंडरस्टैंड। बट यू हैड अ गाइड, बट यू डिडंट, यू जस्ट टॉक टू मी अबाउट द काउ एंड देन यू से लाइक ओह दिस इज अ डिफरेंट लाइक रीजन अ बिट, या बट नो, या इट्स अ बिट डिफरेंट, या द थिंग इज कि जो यहाँ पे जो स्टोरीज हैं जो कथाएं हैं वो थोड़ी सी अलग है इंडिया जैसे, तो यहाँ पे बोलते हैं कि शिवा इज द क्रिएटर एंड इज द डिस्ट्रॉयर, अपने नहीं होता ना ऐसे, तो थोड़ा सा ऐसा है जैसे, या तो नाउ वेयर आर वी गोइंग नाउ, वी स्टिल हैव सम टाइम, गोइंग टू होयान एंड सी वेयर वी कैन ईट समथिंग एंड चिल, ईट सम वीगन फूड, ईट सम वीगन फूड, या ओके लेट्स गो। नाम में मैं होची मिन सिटी में हूँ, मुझे एक महीना हो गया है वियतनाम में घूमते हुए, तो आज की वीडियो में बात करेंगे हम कितना महंगा है वियतनाम, खाना पीना कितना महंगा है, रहना, सिम कार्ड और हर चीज़, तो स्टे ट्यून्ड।